नगर निगम प्रशासन महानगर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। महानगर में भीड़भाड़ वाले जगहों पर पटरियों के किनारे दुकानदारों द्वारा कब्जा होने के कारण अक्सर जाम की समस्या बनी रहती है, साथ ही साथ शहर की सुंदरता में भी दाग लगता है। नगर निगम प्रशासन दुकानदारों द्वारा किए गए अतिक्रमण को अभियान चलाकर बार बार हटवाता है, लेकिन दुकानदार अपनी मनमानी से बाज नहीं आते। इसी कड़ी में शनिवार को नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश सिंह के नेतृत्व में सीतापुर नेत्र चिकित्सालय रोड पर पटरियों के किनारे अवैध रूप से दुकान लगाकर अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों पर नगर निगम प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए कब्जा हटवाया। नगर आयुक्त ने दुकानदारों के सामानों को जब्त कर अपने कब्जे में लेकर कुछ दुकानदारों पर चालान भी काटा। इस दौरान अभियान में अपर नगर आयुक्त डीके सिन्हा, मुख्य अभियंता सुरेश चंद्र, नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मुकेश रस्तोगी, अधिशासी अभियंता मनोज श्रीवास्तव सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश सिंह ने कहा, ये तो सिलेंडर हमारी जिप्सी में रखवा दो, मुख्य मार्गों मुख्य चौराहों पे लोगों ने अवैध अतिक्रमण कर लिया है और ये गणेश मिष्ठान की तरफ का मुख्य मार्ग है। इस चौराहे पे इस अतिक्रमण की वजह से जाम लगता है और ये VIP रूट का ही पार्ट है, तो यहाँ पे जो भी इंक्रोचमेंट वाले हैं इनको पूर्व में 2 बार हटाया जा चुका है, फिर भी ये नहीं मानने लगा रखा गया है, तो उसी क्रम में आज ये अतिक्रमण हटवाया जा रहा है। चेतावनी 2 बार पहले भी हटाया जा चुका है, हर आदमी को 2 से 4 बार बताया जा चुका है। इस पर 2 बार तो मेरे द्वारा खुद भी इंक्रोचमेंट हटाया गया है, लेकिन फिर भी इन लोगों ने द्वारा पुनः लगा रखा है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ हम जल्दी FIR भी दर्ज कराएंगे।